नमस्कार, मैं विद्या। अनुष्का किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली का त्यौहार का नाम लो और सबसे पहले याद आता है कि बेसन का लड्डू परंपरा से चला आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आपसे ये रेसिपी शेयर करूं। मैंने इसमें कोई रॉकेट साइंस तो किया नहीं, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से जो सीखा है वही आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। तो चले बेसन का लड्डू बनाना हम शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है। बेसन हमेशा लड्डू के लिए दरदरा पीसा हुआ ही चाहिए, एकदम दरदरा, उससे लड्डू का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा मैंने घी लिया है, जैसे ज़रूरत होगी उस तरह से हम घी लेंगे। 150 ग्राम पीसी हुई शक्कर है, आप अपने पसंद अनुसार शक्कर ले सकते हैं। 20 से 25 ग्राम काजू, 25 ग्राम बादाम है, 8 से 10 हरी इलायची और चुटकी भर जायफल हमें चाहिए। अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन को बहुत अच्छे तरीके से हमें भूनना है। एक कढ़ाई मैंने गरम करने रख दी है, कढ़ाई के गरम होते ही हम घी देंगे। घी पिघल चुका है, अब डालेंगे बेसन। अच्छे से मिला ले घी में। बीस मिनट तक मैंने इसे लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर ऐसे भूना है। 20 मिनट बाद इस तरह से ये बेसन हो जाएगा, घी छूटने लगेगा। और वैसे भी हमने दरदरा ही बेसन लिया है, और बेसन को और दानेदार बनाने के लिए मैं इसमें एक बड़ा चम्मच पानी दूंगी, मतलब लगभग 10 से 15 ml पानी हमें देना है। और लगातार चलाते रहना है जब तक ये पानी का गीलापन सूख जाना चाहिए, पानी पूरा सूख जाना चाहिए। अच्छे से मिलाते हुए हमें इसे चलाना है। पानी सूख चुका है, हम इस बेसन को एक बर्तन में निकाल लेंगे। कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म है और उससे भी बेसन के कलर पर असर होगा, और इसे निकाल के इसे पूरी तरह से हमें ठंडा कर लेना है। बेसन पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है एकदम, मैं हाथ से अच्छे से छू रही हूँ। अब हम इसमें पीसी हुई शक्कर डालेंगे। शक्कर का प्रमाण मैंने 150 ग्राम शक्कर लिए, आप अपने मीठे के हिसाब से डाल कम ज्यादा कर सकते हैं। शक्कर डाल के इसे अच्छे से मिला ले। अब डालेंगे काजू और बादाम, मैंने कूट के रखे हैं इसे दरदरा, इलायची और जायफल का पाउडर। जायफल पाउडर हमें एक पिंच ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना। अब इस मिश्रण को अच्छे से ऐसे मसल मसल के मिला लेंगे, शक्कर अच्छे से घुल मिल जाए। मैंने लगभग 180 ग्राम शक्कर ली थी 200 ग्राम बेसन के लिए, और 100 ग्राम घी। यह परफेक्ट प्रमाण है, इस प्रमाण से आप लड्डू बनाते तो बिल्कुल भी आपके लड्डू बिगड़ेंगे नहीं। अच्छे से इसे मसल मसल के मिला ले, जितना हम मसलेंगे उतना घी छूटते जाएगा और लड्डू बांधने में हमें आसानी होगी। इस तरह से अच्छे से मिला ले। मैं छोटे छोटे लड्डू बांधूंगी। इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे।
मुंह में डालो और खुलने वाले ये बेसन के लड्डू बने हैं। आप जरूर जरूर बनाएं। बस एक बात का ख्याल रखना है कि जब हम शक्कर मिलाते हैं तो बेसन, भुना हुआ बेसन सूखा सूखा लगने लगता है, तो डरे नहीं, बेसन को थोड़ा रगड़ ले, मसल ले, अपने आप घी छूटने लगता है और लड्डू बहुत अच्छे से और आसानी से बन जाता है। इतनी सी बात का ख्याल रखें, बेसन के लड्डू बनाएं, सभी को खिलाएं और आनंद लें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है, लाइक कमेंट शेयर करें, अनुष्का किचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।